हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहते हैं, ब्रांड हैदराबाद को बर्बाद करना चाहते हैं। तेलंगाना की पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए पीस जरूरी है, और ये जो कल हरकत की गई, जो आप सब लोग वीडियो देख के, आप लोग नहीं चला रहे उसको, आप लोगों की आंखें बंद हैं, ये आप लोगों का बायसनेस है, ये कि एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने आरएसएस और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते। आप हैदराबाद को, अमन को खराब करना चाहते हैं, और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग, इनके इंटेंशन क्या है, ये क्या फ्यूचर लाना चाहते हैं हैदराबाद और तेलंगाना में। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ तेलंगाना की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से अपील करूंगा कि तेलंगाना और हैदराबाद के अमन और पीस के लिए आप लोग देखिए लोग क्या करना चाह रहे हैं, और अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसी स्टेट में तो तेलंगाना में है, क्यों है, अमन है यहाँ पर। और बीजेपी आरएसएस इस तरह के वल्गर एग्रेसिव प्रोवोकेटिव वीडियोस के जरिए अपने एक छोटे सियासी फायदे के लिए, नहोंगा फायदा उनको, तेलंगाना हैदराबाद की आवाम इसको कबूल नहीं करने वाली है, ये वल्गर और प्रोवोकेटिव एग्रेसिव एक्शन को। कल तक आप मेरे को गाली देते थे, अब तो गाली के साथ साथ अब तो ये भी कर रहे हैं आप, तो क्या है आपका, क्या मैसेज है, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि यही नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास है, कि यही विकसित भारत की बात बीजेपी कर रही है जो आज हम देख रहे हैं तेलंगाना हैदराबाद में। अफसोस होता है मुझे, चुनाव अपनी जगह पर है, मगर चुनाव से बड़ी चीज हैदराबाद और तेलंगाना का अमन है, पीस है, यहाँ की ब्रदरहुड है, यहाँ की फ्रेटर्निटी है, जो आप लोग खराब करना चाहते हैं उसको। मुझे यकीन है कि 13 मई के दिन तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम तेलंगाना के पीस के दुश्मन के खिलाफ वोट देंगे, जो बीजेपी आरएसएस है।